जब अल्लाह आपसे नाराज़ होता है तो वो आपका ऑक्सीजन नहीं रोकता, ना ही वो आपको अच्छी चीज़ें देना बंद करता है, बल्कि वो आपके दिलों पर मोहर लगा देता है। वो आपसे आपके सजदे की तौफीक ले लेता है, वो आपसे आपकी नमाज ले लेता है। आपको लगता है कि वो आप हो जो नमाज नहीं पढ़ रहे, नहीं, बल्कि वो अल्लाह है जिसने आपसे आपके सजदे की तौफीक ले ली। ज़रा सोचिए कि आपके गुनाहों की वजह से अल्लाह ने आपको अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। अल्लाह हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।